सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ दी न्यूज़ गाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम अपने पहले अपडेट में बात करेंगे नेहा कक्कड़ और आयुष्मान खुराना के बारे में। जी हाँ गाइस, रिसेंटली आयुष्मान खुराना आए हुए थे इंडियन आइडल के शो में अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए। वहाँ पर उन्होंने अपने और नेहा कक्कड़ से रिलेटेड एक इंसिडेंट के बारे में कुछ बातें शेयर की। तो आइए चेक करते हैं क्या है वो बातें। तो गाइस, आयुष्मान खुराना कहते हैं, नेहा एंड आई वर रिजेक्टेड ऑन इंडियन आइडल ऑन द सेम डे वी ट्रैवल टुगेदर इन द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। नेहा आज जज है और मैं यहाँ, ही सेड। तो गाइस, आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ एक ही दिन इंडियन आइडल से रिजेक्ट हुए थे और उन्होंने उस दिन सेम ट्रेन में ट्रैवल किया था मुंबई से दिल्ली के लिए। सो गाइस, हम अपने नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे एल्विस यादव और कीर्ति मेहरा के बारे में। जी हाँ गैस, बीयू के चैनल पर एल्विस यादव की एक इंटरव्यू आई हुई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि उनके और कीर्ति मेहरा के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। सो गैस, रिसेंटली कीर्ति मेहरा का भी एक इंटरव्यू सेम उसी चैनल से आया है, और जब वहाँ पे उनसे एल्विस यादव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो वहाँ वो थोड़ी इमोशनल हो गई। सो गैस, मैं उस इंटरव्यू से रिलेटेड एक छोटी सी क्लिप आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एल्विस एज ए पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या सपोर्ट आज तक आप दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी है? ये तो मतलब मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं पाऊंगी, ये तो विजिबल है सारी ऑडियंस। अगर आप किसी के साथ ऐसे 6-7 साल से हो तो आपको वो फैमिली मेंबर लगने लगता है। तो आप अगर मेरे से पूछोगे मेरे फैमिली मेंबर की क्या वैल्यू है, मैं नहीं बता पाऊंगी। करेक्ट। तो मेरे लिए वो वहां है। ऐसा था कि पापा एल्विश, मेरी फैमिली पूरी, इन्होंने अगर कोई बात बोल दी है ना तो उसके तो आगे मैं जाऊंगी नहीं, वो लक्ष्मण रेखा है। और कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें भी आती हैं कि आपको पता है ये रास्ता बंद हो चुका, जाना मुझे इसी पे पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते हैं। अब मैं दुखी रहूं बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे को काम करना ही है। करना ही। ऐसी सिचुएशन मुझे पसंद भी है क्योंकि इससे आप आगे बढ़ सकते हो। जब हमें पता है ना कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसको करने के अलावा, करने वहां पे बंदा काम करना शुरू कर देता एक्चुअल है क्या वो एक बार बताओ। जो एक्चुअल है। देखो वो तो किसी को पता है नहीं, और मैं मतलब वो अपनी वीडियो में अगर कोई जोक भी कर रहा है ना कि धोखा दे दिया ये वो, अब मुझे पता है कि वो किसके लिए बोल रहा है, बट ऑडियंस को लगता है कि वो मेरे लिए बोल रहा है क्योंकि हम इतने टाइम से साथ में नहीं दिखे, वो मेरे को ये चीज नहीं बोले। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे फिजिक्स वाला सर के बारे में। जी हाँ गाइस, रिसेंटली उनका ऐप हैक हो गया था किसी हैकर के जरिए, और उनके ऐप पर एक मैसेज के साथ हैक्ड लिखा आ रहा था, और उस मैसेज में था कि अलग सर मैसेज हेयर, योर ऐप हैज़ मोर बग सो कॉन्टैक्ट हेयर टू रिसॉल्व व्हाट्सअप हेयर। और उसने अपना एक टेलीग्राम आईडी भी दिया था, उसका टेलीग्राम आईडी भारतीय युवा चैप्टर 2 करके था। और गाइस, उसने अपने टेलीग्राम में यह मैसेज करा था कि 500 प्लस मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, इनकी टेक्निकल टीम को जब बोला वो हल्के में ले ली मुझे, स्टूडेंट टेंशन ना लो, अलग सर से बात करके सब ठीक करवा दूंगा। सो गाइस, अगले अपडेट में हम बात करेंगे हर्ष बेनीवाल के बारे में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से उनके चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, सो वो अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड एक स्टोरी इंस्टा पर पोस्ट करते हैं, और उसके उन पोस्ट में उनके कपड़े कुछ डिफरेंट टाइप के लगते हैं। हालांकि उस पोस्ट में उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं कराया है, बट एक मैसेज उस पोस्ट के साथ था। तो आइए चेक करते हैं क्या वो मैसेज। तो उस मैसेज में लिखा था, शूट डे 3 बैंगर आ रहा है। तो गैज, आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। सो गैज, अगले अपडेट में हम बात करेंगे अभिषेक उपमन्यु जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है उनके बारे में। तो उनके चैनल में भी काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो अभिषेक उपमन्यु के फैन ने ही उन्हें ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि पिटीशन टू रिमाइंड अभिषेक उपमन्यु अबाउट हिज ओन यूट्यूब चैनल। और उस पर रिप्लाई करते हुए अभिषेक उपमन्यु कहते हैं, हा, दिसंबर में आई एम पुटिंग अ फुल स्पेशल। और उसी के नीचे किसी और यूजर ने कमेंट किया है, माँ कसम खा के बोलो। और फिर अभिषेक उपन्यु उन्हें रिप्लाई करते हैं माँ कसम से। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।